हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी, और जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वल्लभ कार रेस जो महाराष्ट्र में होती थी उसके लिए परमिशन दे दी है। इस मैटर को पूरा समझते हैं, वल्लभ कार रेस क्या है, कब से होती थी, इसको समझते हैं इस लेक्चर में। देखिए, बेसिकली थर्सडे को, मतलब कि 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया महाराष्ट्र को कि वो अपने यहाँ पे वल्लभ कार रेस जो पहले से चलती थी उसको ये उसी तरह से चला सकते हैं। अभी ये बंद हो गई थी महाराष्ट्र में, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, आप नहीं चला सकते, तो रोक लगा दी थी। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जब तक ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे है, जब तक इसका डिसीजन आना बाकी है, तो उस दौरान आप इसको चला सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके लिए डिसीजन ले रही है, लेकिन ये काफी लंबे चल रहा है और जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, किस बेसिस पे बोला वो भी डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो रेस है ये महाराष्ट्र के काफी सारे पार्ट्स में चलती है, बट स्पेशली पुणे और वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में ये चलती है। और ये आज से नहीं, ये 400 साल पुराना ट्रेडिशन है, तो 400 साल पहले से ये परंपरा चलती आ रही है। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोल दिया, ठीक है, तब तक इसको अलाउ क्यों कर दिया गया जबकि पहले इस पे रोक लगी हुई थी, तो ऐसा करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, आप इसको चला सकते हो, बट ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 है, इसके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो अमेंडेड प्रोविजंस हैं, बेसिकली इन प्रोविजंस का ध्यान में रखकर आपको चलाना होगा, मतलब कि एनिमल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, उन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है ना, एक्चुअली इस पर रोक लगा दी गई थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, उस रूल में क्या है, बुल्लॉक कार्ट रेस स्टेट में होंगी बट यहाँ पे इनको नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, वुड ऑपरेट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन। बेसिकली क्या है, इन्होंने बोला कि इन दोनों का आप ध्यान रखो, ये दोनों के दोनों चीजें, ये जो रूल्स बनाए गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वो लागू होंगे, प्लस ये वाला जो रूल है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, इस रूल का भी ध्यान रखना होगा। ये जो दोनों के दोनों ये प्रोविजन है इनका ध्यान रखें और साथ में आप चला सकते हो, ठीक है। तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे मामला चल रहा है, जब तक इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता, तब तक आप इसको चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने बोला इसके पीछे का रीजन क्या था कि भाई तब तक क्यों चला लो, तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि जो बुल्लॉक कार्ट रेस है वो महाराष्ट्र में बैन कर दी गई है, ठीक है, लेकिन इसी तरह की रेस चल रही है तमिलनाडु और कर्नाटक में, तो महाराष्ट्र में भी चलनी चाहिए, जब तमिलनाडु कर्नाटका में चल रही है तो महाराष्ट्र में चलनी चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तब तक और स्टेट्स में क्यों चले, हमारे में भी चले या तो ये उनमें भी ना चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ यार, एक कंट्री है, एक तरह का रूल होना चाहिए हमारे कंट्री में, हमें यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, तो अगर वहां चल रही है तो यहाँ भी चले, ठीक है। तो एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था, तो तमिलनाडु केरला में तो लगेगा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं देता तब तक या तो इन पे भी बंद किया जाए या फिर इसको भी अलाउ किया जाए। अब इन पे तो बंद ऐसे नहीं कर सकते, मैटर चलना चाहिए उसके लिए, तो अब कहाँ पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और जो बॉम्बे हाई कोर्ट, जो महाराष्ट्र का जो डिसीजन आया उसके बीच में, तो इनको बोल दिया कि ठीक है भाई, आप चला लो तब तक जब तक हमारा डिसीजन नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि एक तरह की एक कंट्री है तो एक तरह का डिसीजन होना चाहिए, तो रेसेस और स्टेट्स में चल रही है तो आपके स्टेट में भी चलनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बेसिकली अभी डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो बुल्लक कार्ट रेसेस है ये बैन कब हुई थी, तो ये महाराष्ट्र में बैन हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये डिक्लेयर किया था कि ये जो सेंट्रल एक्ट है उसके प्रोविजंस, जो आपका 1960 वाला जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को वायलेट करती है ये रेसेस। 2014 में ऐसा डिसीजन सुनाया गया था, अब ये वायलेट करती है, इस तरह का डिसीजन आ गया, तो इसके बाद क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो एक लॉ बनाया उस लॉ के हिसाब से क्या था, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए कि हम इन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। इस लॉ का नाम क्या था, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का मतलब क्या था, बैलों की जो रेस होती है, बुल की रेस होती है, उस रेस को कराना। तो उस इन्होंने जो ये लॉ लेके आया उसके बाद यहाँ पे चल गई, ठीक है, तमिलनाडु में तो स्टार्ट हो गई। तो फिर महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि यार हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र के लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ भी स्टार्ट करो। अब महाराष्ट्र के लोगों ने इस तरह की डिमांड की तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी एक लॉ लेके आएगी, वो भी लॉ पास करेगी, ये सब चीजें महाराष्ट्र में भी होंगी क्योंकि तमिलनाडु में हो गई, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ की भी चले। तो महाराष्ट्र में
2017 में महाराष्ट्र की जो असेंबली है उसने एक लेजिस्लेशन पास किया, लेजिस्लेशन फॉर रिजम्पशन ऑफ बुल्डॉग कार्ट रेसेस अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक रूल लेके आया कि पूरे स्टेट में ये चलेगा। ठीक है, मतलब कि रेसिस कर सकते हैं और कुछ चेंजेस कर देगी, हम एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे क्या था इसमें, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल महाराष्ट्र अमेंडेड बिल, ये एक बिल आया। ठीक है, जो बिल का नाम है वो ये है, ये पास हो गया और इसमें किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया, सारी पार्टी के सपोर्ट के साथ ये वाला बिल पास हो गया। ठीक है, अब पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट ने भी इसको हाँ कर दिया, मंजूरी दे दी। ये जब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, जो ऑफिस छोड़ रहे थे, मतलब इनका कार्यकाल पूरा कंप्लीट हो रहा था, उससे पहले इन्होंने उसको परमिशन दे दी और यहाँ पे ये रूल चलने लगा। अब ये बात है अप्रैल 2017 की, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये लेके आई। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये लेके आई, उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो 2014 में बैन लगाया गया था ना, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट इट कॉज पेन एंड सफरिंग टू द बुल्लॉक, ये बेसिकली क्या था कि जो रेस की वजह से जो बुल्स हैं वो सफर कर रहे हैं, उनको पेन हो रहा है, उनको मार रहे हो आप, दौड़ा रहे हो, तो उस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, अब ये जो अमेंडेड बिल, ये जो बिल था उसमें क्या अमेंडमेंट किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप ऐसे ही बुल को दौड़ा नहीं सकते, मार नहीं सकते, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप रेस करा पाओगे। ठीक है, तो ये इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंजूरी दे देगा तो आप कर लोगे, और इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी एनिमल को पेन ना हो, वो सफर ना करे। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं, पेन और ये क्रुएलिटी की वजह से आपने रोक लगाई ना, तो हम बोल देते हैं कि भाई पेन और क्रुएलिटी ना की जाए, ठीक है, जानवरों के साथ, और रेसेस करा लो पीसफुली। ठीक है, तो इन्होंने रास्ता निकाल लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है भाई। अब क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रैल में डिसीजन सुनाया और अप्रैल में ये चीज स्टार्ट हो गई। फिर अगस्त 2017 में वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, उसके बदले में फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे चला सकते हैं, हम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर यहाँ पे अप्रैल में ये डिसीजन आया 2017 में, किसका, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये रूल बना लिए। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रूल बना लिए, उसके बाद अगस्त 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, जो महाराष्ट्र में है, इस हाईकोर्ट ने क्या बोला, इन्होंने परमिशन नहीं दी, इन्होंने उस पर रोक लगा दी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी थी बुल्लॉक कार्ट के लिए, ठीक है, इस रेस के लिए जो परमिशन दी गई थी, उस रेस को रोकने के लिए एक ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं रोको, नहीं करना आपको। क्यों बोला गया, इन्होंने ऐसा बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पहले रोक ली, रोक लगा दी, फिर उसके बाद इस रोक को हटाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बोला कि यार आप परमिशन दे दो, क्यों रोक लगा रहे हो। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट को वापस से अपील की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की जो आपने रोक लगाई ना उसको हटा दो, जो आपने स्टे लगाया ना उसको आप रिफ्यूज कर दो, उसको आप हटा दो उस रोक को। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों मना कर दिया, उन्होंने बोला कि जो बुल्स हैं वो इस तरह से, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर या वो इस तरह से डिजाइन नहीं किए गए हैं भगवान के द्वारा कि वो रेस में पार्ट ले सकें, जैसे कि हॉर्स लेते हैं, तो हॉर्स इसी काम के लिए बने हुए हैं, वो रेस में पार्ट ले सकते हैं, उनकी बॉडी पर खराब इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बुल्स को दौड़ाओगे तो वो, उनका बॉडी इस तरह का बना ही नहीं हुआ है कि वो रेस में पार्ट ले सकें। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आप इनसे वो जो काम उनके लिए है नहीं वो काम करा रहे हो, इसीलिए ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ क्रुएलिटी इफ यूज एज परफॉर्मिंग एनिमल, अगर आप इनसे रेस कराते हो तो ये सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी है। ठीक है, तो इस बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। अब फिर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसको फिर चैन नहीं पड़ा, तो इन्होंने क्या किया कि आपने जो डिसीजन लिया है ना उसके लिए इन्होंने कि भी क्रुएलिटी है, तो इन्होंने एक कमेटी बना दी। कब, नवंबर 2017 में इन्होंने एक कमेटी बना दी, उस कमेटी को बोला कि आप चेक करो, आप स्टडी करो कि जो अलग अलग ब्रीड्स की बुल्स हैं उनकी रनिंग कैपेसिटी कैसी होती है। ठीक है, उन सबको कंपेयर करो और फिर कंपेयर करो हॉर्स के साथ, अलग अलग ब्रीड के बुल की कैपेसिटी देखो, हॉर्स की कैपेसिटी देखो, उनको कंपेयर करो, क्या बुल की बॉडी में उनका किस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, बायोकेमिकल चेंज होता है जब वो दौड़ते हैं तो। ठीक है, और उसको फिर कंपेयर करना है आपको हॉर्सेस के साथ। तो ये कमिटी ने क्या किया, इसने ये स्टडी की और रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक है,
उस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 मंथ में ही रिपोर्ट तैयार हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती थी तो उन्होंने कर दी। ठीक है, तो इसमें स्टडी की गई और स्टडी के बाद उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक का ट्रेस करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि किसके खिलाफ, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस डिसीजन के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई है। ठीक है, कब, 2018 में। क्या गए कि देखो हमने जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जो बातें बोली थी उस हिसाब से हमने एक रिपोर्ट भी एक कमेटी बना दी, उस कमेटी ने ये बोला है कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ऐसा क्यों बोल रहा है, तो हमारे यहाँ परमिशन दो। तो ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर तो चल रहा है कि देखना है नहीं देखना, चेक करना है, ये सब चीज डिसीजन बाद में आना है। लेकिन अभी इस बीच में तमिलनाडु में भी एक रूल हुआ था, तमिलनाडु के कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है यार चलने दो। तो वहां पर जो रूल चल रहा है और यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक कंट्री है एक जैसा रूल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी तब तक जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप क्या करो, तब तक आप चला लो। ओके, अब इस डिसीजन को सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पसंद किया है, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छी चीज है ये, इवन सभी लोगों ने पसंद किया है क्योंकि परंपरा चल रही है बहुत टाइम से, जानवर तो बेचारे कुछ कह नहीं सकते, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, लेकिन लोगों ने पसंद किया, बट यहाँ पे उसको सपोर्ट करने का भी एक अच्छा रीजन है, ये है कि अभी क्या होता है, अभी गाय तो यूज में आ जाती है। ठीक है, गाय मिल्क देती है, माँ है हमारी, और गाय को बचाने के लिए बहुत सारे रूल्स वगैरह वगैरह बहुत चल रहा है देश में। लेकिन जो बुल है ना, उनके साथ क्या दिक्कत है कि ये बुल्स को गाय, एक गाय के लिए आप मतलब 10 गाय के लिए भी एक बुल का यूज कर सकते हो। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल हल वगैरह भी जोते नहीं जाते, ट्रैक्टर वगैरह बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो इनका यूज ज्यादातर बचा ही नहीं है। अब इनका यूज नहीं बचा तो क्या किया जाता है, तो एक टाइम के बाद इनको मतलब मार काटना ये सब चीजें होती हैं, मांस वगैरह खाना ये सब चीजें होती हैं, या फिर देश से बाहर भेज दिया जाता है। तो इन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये तो मर ही रहे हैं अभी भी। ठीक है, गाय तो बच रही हैं बट ये मर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। अब ये मर रहे हैं और अगर ये रेसेस होंगी तो इनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाएगा इनको, क्योंकि ये दिखेगा कि भाई इनका यूज है। अब किसी को भी बोलो नहीं, बैल को मत मारो, बैल को मत मारो, तो मानता है क्या कोई? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको चिकन खाना पसंद होगा, बहुत सारे नॉनवेज खाना पसंद होगा, तो बोलोगे अरे यार खाने दो यार, दिमाग मत खराब करो। ठीक है, मर रहे हैं मरो, हम कब तक सोचें। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी पर्सन काम तभी करता है जब उसका प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर ये रेसेस होंगी, तो इनको बचाया भी जाएगा, फिर इनको खिलाया पिलाया भी जाएगा, जिससे रेस में अच्छे से दौड़ सके, जीत सके। तो इस वजह से क्या होगा, इनको वो जो मर रहे थे ना वो नहीं मरेंगे। क्रुएलिटी पहले ज्यादा हो रही थी, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत इससे कम हो जाए, तो एक इसका पॉइंट ये भी है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें कि इनके लिए और क्या है, तो और तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि बैलगाड़ी वगैरह नहीं चलती हैं, हल वगैरह इनसे जोते नहीं जाते हैं, बाकी आपको इनकी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है, तो फिर बुल मर ही जाते हैं। ठीक है, बछड़े वगैरह जनरली कुछ टाइम तक यूज किए जाते हैं जब तक वो छोटे होते हैं, उसके बाद फिर उनको किसान भी भगा देते हैं, वो भी क्या करें, एक तरह से देखा जाए तो किसान की इनकम वैसे ही कम है, ऊपर से अगर वो इनको रखने भी लग जाए तो फिर उनके पास तो ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये इस वजह से जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं, इनको मार काट के मांस वगैरह खाने के लिए यूज कर लिया जाता है, ये बाहर भेज दिया जाता है, उसका अच्छा खासा मोटी रकम आ जाती है। तो ये बेसिकली इसके पीछे की बात है, जो मैंने दोनों आपको बात बताई, दोनों पॉइंट्स बताए, आपको क्या लगता है, आप अपना सजेशन जरूर बताएगा। और इस वीडियो की PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसके अलावा इंस्टा पर आप मुझसे चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए यहाँ पर ये लेक्चर खत्म करते हैं हम, थैंक यू सो मच।